एक संकेत जो है, एक में व्यक्ति कहता है, एक में उसकी कही हुई बात होती है, दो चीजें होती है। बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, लेकिन यकीन मानो डाइट डाइट की तीन क्लास होती है। अगर आप तीनों क्लास दी तो 101% का मतलब डाइट डाइट का कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो ना करना 100% कर सकते। अच्छा पहले समझा दो, डाइट डाइट में आप कैसे क्या करते हो, सबसे शुरुआत शुरुआत लेता हूँ। सेंटेंस ले लिया, राम टाइप टू बी, आगे है बी रीड ए। देखिए एक ये लगा हुआ है मामा, और ये जो दो इधर से लगे हैं ऐसे, ये है इन्वर्टेड कॉमा, है ना, वो है एक कॉमा, और इधर वो लगे हैं वो क्या है इन्वर्टेड कॉमा। अब इसमें राम के द्वारा कही गई बात है, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो उसके द्वारा कही गई बात होती है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। बहुत सारे नियम है, आप ध्यान रखना, बड़े सिंपल वे में पढ़ाऊंगा। मैंने किताब देखी उसमें बहुत ज्यादा गलत मतलब बहुत बेकार ढंग से लिखे हुए हैं, तो मैंने सोचा मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि एक बार मेरे समझ में आ जाए। तो जो बात कही जाती है वो होगी रिपोर्टिंग वर्ब, जो कहता है, और जो उसके मुंह से बात निकलती है वो क्या होती है रिपोर्टेड। कुछ बच्चे कहते हैं इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, ऐसा नहीं होता। यह होती है रिपोर्टिंग वर्ब और ये है रिपोर्टेड स्पीच। तो अब आप समझ जाया करोगे कि मैं रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ या रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहा हूँ। ये दो वर्ड आपको याद करने हैं कि रिपोर्टेड वर्ब की मैं बात करूँगा तो किसकी बात होगी, और रिपोर्टेड स्पीच की बात करूँगा तब किसकी बात होगी, ठीक है। देखिए बड़े आपको ये पता लग गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है। तो देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस
इंटेलिजेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का कंटेंट नहीं चेंज होता है। क्या सीखे इससे? एक बार संदेश और ध्यान हो, यदि रिपोर्टिंग बार हो, रिपोर्टिंग बार कौन सी वाली? ये वाली जिसमें बोलता है, बोलता है, इसे कहता है, उसमें इधर वाली से रिपोर्टिंग बार है प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट टेंस यानी चाहे प्रेजेंट के चारों में से किसी का प्रेजेंट का होना या फिर फ्यूचर का होना, तो इधर वाला टेंस नहीं बदलता है ना। देखो कोई छोड़ना पड़ने को तो समझ में नहीं आए। पहले सेंटेंस देखिए, रवि सेज मीरा कुक्स द फूड। मोहन सेज टू हिम ही इज flying the kite to him he has been singing since childhood. Ram is saying he will drink milk कुछ
चेंजेस करने के मैं तरीके बता रहा हूँ, आज से ही याद कर लेना उनको। अगर आपको कहीं सेज मिले तो सेज लिख देना, कहीं से मिले तो से लिख देना, कहीं सेज टू मिले तो टाइल्स लिख देना, कहीं से टू मिले तो टाइल लिख देना, कहीं सेंग मिले तो सेंग लिख देना, और कहीं सेंग टू मिले तो टैली लिख देना, कहीं साइड मिले तो साइड लिख देना, और कहीं साइड टू मिले तो टोल्ड लिख देना। ये रूल्स देख लीजिए, बड़े आराम से बनाओ, तो बस धीरे धीरे लिखते रहे। अब एक चीज देखो, मैंने ऊपर रूल्स लिखा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब इधर वाला, वो प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, तो रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस चेंज नहीं हो। तो इधर वाला जो सेंटेंस है वो चेंज नहीं हो। अच्छा आप देखिए, प्रेजेंट खाली यहाँ प्रेजेंट लिखा है, तो प्रेजेंट के चारों की बात हो रही है ना, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यहाँ पे फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, तो फ्यूचर की अभी किसकी बात हो रही है, इनके चारों में हो तो इधर वाला टेंस मत बदलना कर। अच्छा जैसा अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस होते हैं, इनमें इन्वर्टिव कॉमा की जगह पे क्या लगाता है, क्या लगता है, टाइम लगता है, क्या लगता है, तो ठीक है आराम से बना दो। देखिए पर ध्यान करना बात, पहला सेंटेंस बना रहा हूं, रवि। अब सेज लिखा है ना उधर, ये लिखा है सेज, और सेज की जगह मैंने क्या बताया है, सेज की जगह क्या बताया है, सेज ही बताया है। पिताजी नहीं है तो वो भी कंफर्म, अब या फिर जो कि
आर्थिक स्थिति है जो आत्मा होता है वो 1 लाख का था, 1 लाख के आर्थिक कम का तो वो अपना नाम फोन नंबर और पिताजी का नाम और अपने गाँव का वो लिख के दे दें कुछ ना कुछ मिलेगा। क्या था पढ़ने के लिए लैपटॉप मिले, क्या था वो टैब मिले है नहीं, क्योंकि अब ऑनलाइन का जमाना है वैसा ही कुछ मिलेगा या पढ़ने के लिए किताबें मिली या कुछ मंथली पैसे मिले है नहीं, ये फार्म में नहीं जाएगा जो मैं पीछे उनको बता दूँ। लेकिन आज मात्र वो एक लाख से कम का होगा या फिर पिताजी का होगा। देखिए तो सेज की जगह पे कह रहा है अब तुम मुझे बताओ ये टेंस रवि कैसा है, तो ये कौन से टेंस में हुआ? अरे ये एस ए आई एस प्रेजेंट में ही तो लगता है। अब मैं कहता हूं प्रेजेंट या फ्यूचर में तो घर वाला टेंस नहीं बदलेगा, तो इनवर्टेड कॉमा की जगह पे दोनों सेंटेंस जुड़ेंगे तो बीच में क्या रह जाएगा और दैट किसका काम करता है कंजक्शन का काम करता है। चलो बाकी आगे लिख लीजिए क्या कुछ दा बताओ यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत आई बनाने में? कोई दिक्कत तो नहीं है बनाने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए मोहन सेड टू हिम आप बदला जाएगा सेड टू, देख लीजिए सेड टू किसको बोलोगे? और दूसरे बात क्या आ गया इन्वर्टेड कॉमा बराबर क्या हो गया टैग उतार लीजिए पूरा ही इज लाइन लाइन द बात समझ में आ गई। उसके बाद देखना तेज से तो से बराबर से इन्वर्टेड कॉमा बराबर टैग ये सभी प्रेजेंट में है नहीं है, नहीं है सब प्रेजेंट में, प्रेजेंट में ही है। दे से ही है स्टॉलिंग का पद। आगे चौथा वाला देख लीजिए बी यहाँ पे सेटू, सेटू की जगह पे क्या लगा दोगे? हिम इन्वर्टेड कॉमा बराबर है और ही है बीन सिंगिंग विद सैंड। बताओ बात समझ में आ गई? अगला देख लीजिए। अच्छा ये पांचवा वाला बताओ मुझे ये किसमें है? सी हैंड साइड सी सीमा हैंड साइड। अरे ये भी तो प्रेजेंट में है जब किसकी पहचान होती है जब किसकी है नंबर होती है प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट तो है हुआ तो ये भी प्रेजेंट क्या? हाँ खाली अगर है टायर होता एक बार और बताता हूँ आपको से फर्स्ट फॉर्म साइड सेकंड फॉर्म अब थर्ड भी कौन कहीं क्या होती है लेकिन कब पता करेंगे जैसा कि मैं कब पता करेंगे ये थर्ड है पता जब है होगा साइड के साथ तो समझ लो क्या है थर्ड और जब केबल लगा है तो समझ लो क्या है सेकंड और सेकंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं है ना। अब पास्ट में अगर होगा तो टेंस चेंज होगा इसीलिए प्रेजेंट के चारों हो फ्यूचर के चारों हो उधर तो इधर वाला टेंस नहीं होगा। आगे देख लीजिए सीमा है सैड लेकिन खैर ये तो प्रेजेंट नहीं है सीमा है। अच्छा और सैड वाला बता भी था सैड वाला तो क्या लगेगा सैड ही लगेगा इन्वर्टेड कॉमा बराबर बाय उसके बाद सी बार सी बार पे आगे ये देख लीजिए राम इज सेइंग ये भी तो प्रेजेंट में ही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो प्रेजेंट में ही तो बनाओ राम इज सेम की जगह पे मैंने क्या बताया था सेम इनवर्ट का बराबर है ही विल ड्रिंक
सी बिल। अच्छा ये बताओ ये रिपोर्टिंग वर्क किसमें है? ये फ्यूचर में। फ्यूचर में है ना? फ्यूचर फ्यूचर में किसी में हो, फ्यूचर फ्यूचर में होगी तब भी चेंज नहीं होगा। तो सी बिल से इन्वर्टर का बराबर दैट द टीचर इज नॉट कमिंग। कैसे करके इस ऐसा मतलब है सब्जेक्ट।
ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट और एन का मतलब है नो चेंज। ओ का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है, नो चेंज। इसका फर्स्ट पर्सन, इसका सेकंड पर्सन और इसका थर्ड पर्सन, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन अगर हो, क्या हो, फर्स्ट पर्सन, तो किधर रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो तो किसको देख के बदलोगे, सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट हो उसी का प्रोनाउन लगा दो, या जो प्रोनाउन हो तो वही प्रोनाउन लगा दो, है ना, उसको देखो वो कौन है तो वही लगा दो। ऑब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन है तो किसको देख के लगाओगे, और जहां पे देखा थर्ड पर्सन तो आपको क्या करना है। इसीलिए मैंने रिपोर्टिंग वर्ब में उधर ही थी दे ही आने दिया, है ना। अच्छा अब एक बात और है, आपको ये तो पता है जो आई और बी फर्स्ट पर्सन, आई और बी कौन सी पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, लेकिन आई के जितने रूप हैं बदले वो भी सब जाएंगे, जितने रूप हैं बदले वो भी सब जाएंगे। आई आ जाए तब भी फर्स्ट मानी जाएगी, और माई आ जाए तब भी फर्स्ट मानी जाएगी, और मी आ जाए तब भी फर्स्ट, और माइन आ जाए तब भी फर्स्ट, क्योंकि ये सब किसके रूप है। अगर अगर आ जाए तब भी फर्स्ट, अस आ जाए तब भी फर्स्ट, ठीक है। हाँ तो ये तो फर्स्ट पर्सन हो गई। उसके बाद सेकंड पर्सन में आ जाओ, सेकंड पर्सन में यू, लेकिन यू के कितने भी रूप हो, योर साथ योर आ जाए, सहा के आ जाए, योर साथ आ जाए, बदले सभी जाएंगे, ठीक है। अरे ये भी फर्स्ट, ये भी सेकंड है, ये भी है तो उसी का रूप, इतना ध्यान रखना। बाकी थर्ड पर्सन जो है, थर्ड पर्सन चाहे ही हो चाहे हिज हो चाहे हिम हो नहीं बदला जाएगा, सी हो चाहे हर हो नहीं बदला जाएगा, दे हो चाहे थियर हो चाहे देम हो नहीं बदला जाएगा, इट हो चाहे इट हो बदला नहीं जाएगा, ठीक है। ये सभी कौन सी पर्सन, थर्ड पर्सन, और कोई नाउन भी नहीं बदला जाएगा, थर्ड पर्सन में ही चाहे आप नाउन भी मिल सकते हो, थर्ड पर्सन में कैसे मिल सकते हो, नाउन भी कर सकते हो। तो अब आप कहोगे तो रूल्स नंबर दूसरा लिखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब इधर वाला ना जो कहा जाता है, रिपोर्टिंग कहने वाला व्यक्ति वक्ता, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नहीं बदला जाता है, लेकिन पर्सन चेंज करते हैं, लेकिन पर्सन सभी में चेंज होता है, पर्सन सभी सेंटेंस में चेंज होता है। तो ये लिख दो कि पर्सन हमेशा चेंज हो, चाहे वो किसी का भी पर्सन हमेशा हो। चलो लिखने जा रहे हैं एग्जांपल, राम सेज आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, सब बता दूंगा
दूसरा ही से टू अस ही से टू तो एक रूल्स होता है
कि एक नाम आप दो बार नहीं ले सकते, एक बार आप एक नाम आप दो बार ले सकते, और आपको जब भी दोबारा लिखने की जरूरत पड़ेगी, जब भी दोबारा लिखने की जरूरत पड़ेगी तो आप क्या डालोगे? उसका प्रोनाउन लगाओगे। क्या लगाओगे? प्रोनाउन। देखिए बड़े ध्यान, राम सेज बराबर सेज ही है, तो पीछे लिखाई हुआ है, ये तो लिखाई हुआ सेज कहाँ पे है? आप बताओ आई कौन सी पर्सन? यहाँ देखी कौन सी पर्सन? उत्तमा। फर्स्ट पर्सन किसको देख बदलेंगे? सब्जेक्ट। किसको देखते? देखना किसमें होता है? रिपोर्टिंग वर्ब में। सब्जेक्ट कौन है? राम। एक बार राम लिख गया, अब इसका प्रोनाउन लगाएंगे। पहले जोड़ दो, पहले इनवर्ट का बराबर क्या लगा दो? अब आई की जगह पर क्या लगाओगे? बस ये इतना, ये समझ लो कि दिमाग में ये अपने आप से पूछो कि आई से ही कैसे बन गया वहां, वहां आई से ही कैसे बन गया। तो मैं आपको बताता हूँ कि वहां आई से ही बना कैसे। देखो यहाँ पर आई कौन सी, इधर वाली पर्सन देखनी होती रिकॉर्डेड वर्ब की, रिकॉर्डेड स्पीच की। आई है, आई फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट से बोलो। अब सब्जेक्ट है हमारा क्या? राम। तो उसका प्रोनाउन क्या लगेगा? आई के चक्कर में एंड लगाता, ही के चक्कर में क्या लगा? सिंगिंग साउंड। ये बताओ मैंने सेंटेंस तो नहीं बदला? नहीं बदला। बस तुम कहो तो बदला क्यों? एंड की जगह आपने इज लगा दिया, है तो उसी सेंटेंस का भाई, उसी टेंस का है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, वो भी एम ही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अच्छा ये देखिए बड़ा ध्यान, दूसरा सेंटेंस, दूसरा ही साइन कर रहा हूँ। बताना जरा, पहले हो गया ही, अब सेज टू को बताओ किसमें बदलोगे? आप क्या लिखोगे? अरे इधर मी भी आया, मी क्यों? क्योंकि जो मी तो इसी का है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब ये है, ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। अब की बार रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट भी है कि नहीं है? ऑब्जेक्ट ना हुआ करे तो सब्जेक्ट चेंज कर दिया करो, लेकिन इसमें तो ऑब्जेक्ट है। अब इनवर्टेड कॉमा बराबर क्या लगाओगे? अब मुझे बताओ यू कौन सी पर्सन? सेकंड पर्सन है तो किससे बदलोगे? देखा उधर वाली में बदल से उधर से, इधर ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये है मी, क्या है? लेकिन अब तुम कहो हमें यहाँ पे मी ही रख दे तो बात गलत है, क्योंकि दैट के बाद हमेशा सब्जेक्ट रूप लगाना। कौन सा रूप लगाना? सब्जेक्ट। आई, आई होता तब भी आई, लेकिन मी है तब भी आई। आप देखिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो आई लव यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ, क्योंकि प्लूरल के साथ बनती है फर्स्ट फॉर्म में ऐसे नहीं लगता, इसमें भी बनती फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस नहीं लगता। हर कौन सी पर्सन है? थर्ड पर्सन, चेंज नहीं होती। दे से टू हिम, से टू को बदल दो टेल में, ये ऑब्जेक्ट है हिम, इनवर्टेड काम बराबर। ये बताओ बी कौन सी पर्सन? बी कौन सी पर्सन? किससे बदलोगे? कौन है सब्जेक्ट में? दे। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या लगा दिया? आगे ही सेज, इसको अगर बता दिया तो मान लो इनवर्टेड का बराबर होता है। आप बताओ माय मदर यहाँ पे क्या लिखती है? यहाँ पे सर माय मदर ही लिखेंगे। माय मदर ऐसा क्यों? सी दिस क्या होगा?
बिल्कुल ये माई किसका रूप है? आई का रूप है। तो आई पहले से बदले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट यहाँ क्या है? ही। तो इसका मतलब माई मदर की जगह पे क्या हो जाएगा? हिज मदर। बताओ आगे बात समझ में? मतलब चाहे पजेसिव हो, चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, बदलना सब है रिपोर्ट का इधर का। आगे इज इन, ये देखिए ये भी अच्छा सेंटेंस है। सीमा सेज टू मोहन, टेल्स मोहन, टू की जगह पे पूरे लगता है, टेल्स टू भी उसी में जुड़ जाता है। इनवर्ट काम बराबर है। आप बताओ यू कौन सा पर्सन? किससे बदलोगे? ऑब्जेक्ट कौन है इसमें? ये सब्जेक्ट है, ये लड़की है, ये वर्ब है, ये लड़का है, तो मोहन। अब तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो कैन नॉट यू कर नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अकेला होता है, उसको तो आप लगा लो सिंगल, लेकिन पजेसिव तो एडजेक्टिव होता है, तो वो तो किसी के साथ लगेगा। अब बदलना पजेसिव को, हाँ इतना जरूर है पजेसिव को पजेसिव में ही रखना है। पजेसिव मतलब क्या होता है? अपना अपनी गाड़ी जो भी होती है उसको उसी में रखना है, कोई बात नहीं। आगे आप ये था, देखिए मैंने अभी बदले नहीं है, प्रेजेंट और फ्यूचर में रिपोर्टिंग पर ही इसीलिए नहीं बदला आप। लेकिन ऐसे सेंटेंस एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये सिंपल होते हैं ना, सिंपल होते हैं। आप लिखिए रूल्स नंबर तीसरा, लिखिए रूल्स नंबर तीसरा, ये है मेन। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस पास्ट टेंस में हो, इसमें हो पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस के चारों की बात हो रही है,
अरे पांच टीम के चारों की बात हो रही है, चारों टेंसों की बात हो रही है, पांच की। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस पांच टेंस में हो, पांच टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है जिसे निम्न अनुसार बदलते हैं। जिसे निम्न अनुसार बदलते हैं अच्छा आप देखिए बदलेंगे कैसे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो ज्यादा सेंटेंस को टेंस बदला जाएगा। कैसे बदलोगे देखिए, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो आप इसको बदल देना, इसमें जब इंडाइट बनाओ तो आप पास्ट इंडेफिनिट में बदल देना। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा, अगर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो इसको आप पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देना। कंटिन्यूअस अगर प्रेजेंट परफेक्ट हो तो उसको आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देना। कुछ बच्चे पैसिव वॉइस से डायरेक्ट इंडेक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। पैसिव वॉइस में अगले टेंस की हेल्प की मदद करती है, इसमें सीधा पास्ट हो जाता है। अब ऐसा नहीं होता है कि पास्ट इंडेफिनिट में हो तो फ्यूचर में बदल दो, ऐसा नहीं होता। देखो फिर से समझो, प्रेजेंट के जो भी हैं वो किस में बदल जाएंगे, पास्ट में। लेकिन ऐसा नहीं होता कि पास्ट में हम लोगों को किस में बदलता है, फ्यूचर में ना। पास्ट के पास्ट में ही रहते हैं, पास्ट के पास्ट में ही रहते हैं। कैसे? अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, बस लिखता हूँ मैं। तो ये तो हो गया चार, इसको मिटा देता हूँ। मैंने एक रूल बताया था, पहले का तीसरे में और दूसरे का चौथे में हो जाता है। इधर वाला भी पास्ट रहता है और इधर वाला भी किसका रहता है, पास्ट। सुनो, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट को तो पास्ट इंडेफिनिट में बदलोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलोगे, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलोगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलोगे, है ना। देखो, लेकिन अगर आ जाए पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट में रिपोर्टिंग स्पीच हो तब भी आपको पास्ट में रहना है। लेकिन किस में ले जाना है,
फास्ट परफेक्ट, तो फास्ट परफेक्ट में दो टाइप बनते हैं, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है पास्ट परफेक्ट में, और एक पास्ट इंडेफिनिट का बनता है पास्ट परफेक्ट में। उसके बाद दूसरा कौन सा? पास्ट कंटिन्यूअस को आप किस में बदलोगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चौथे बात, यहां तक बात समझ में आ गई? आ गई? आप पास्ट पास्ट के तो हो गए, अभी तक तो जेई तो दोनों निपट पाए, ये आसान था। प्रेजेंट के चार ओवर में बता दिया पास्ट के चार, ये आसान प्रेजेंट के चार ओवर पास्ट के चार, लेकिन पास्ट का पहला पास्ट के तीसरे में और पास्ट का दूसरा पास्ट के चौथे। अब बचे हैं तीसरे चौथे, तीसरे चौथे कौन से हैं? एक है पास्ट परफेक्ट, और एक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये दो जो हैं ये नहीं जाते, ये नहीं बदले जाते हैं कभी भी, तो ये कभी बदले नहीं जाएंगे, ये कभी बदले नहीं जाएंगे। तो अब मुझे आप एक बात ये बताओ, प्रेजेंट के चारों किसमें बदले? पांच के चार। अब पास्ट के दो किसमें बदले? पास्ट के ही में, लेकिन पास्ट वाले लास्ट वाले जो डेप्थ दो थे वो किसी में नहीं बदले, नेवर कभी नहीं बदले। जब वहां नहीं बदले गए तो यहाँ तो बदलने चाहिए, लेकिन यहाँ भी नहीं बदले। अच्छा, ये तो था सत्य के हिसाब से, लेकिन आपके दिमाग में बात रह गई कि सर फ्यूचर वाला किसमें बदले। तो फ्यूचर वाले में मैंने आपको एक बात बताई थी, फ्यूचर के लिए फ्यूचर वाले में एक में बिल होता है, सब में चार बताओ बिल से लगता कि नहीं लगता है। तो बस इनमें कुछ नहीं करना है, इनमें बिल को आपका फुट कर देना है और सेल में आपको क्या कर देना है, बस बाकी सब कुछ सेल अपने आप फास्ट में हो जाएगा, अपने आप किस में हो जाएगा? फास्ट में हो जाएगा। सुनो, अगर आ जाए बिल भी सेल भी तो आपको नहीं करना, गुड भी और गुड भी कर देना। चलो ये भी बात छोड़ो, अगर आ जाए आपका बिल है और आपका आ जाए सेल है तो आपको बदलना केवल गुड ही है, ठीक है, बाकी है को ऐड नहीं करना, तो है भी रखना, ठीक है। अच्छा, कुछ बातें अब और लिख दे रहा हूँ यहीं पर, मॉडल है वो कैसे दी जाएंगे। टाइम वाला आ जाए तो कुछ में बदल देना है ना, और मे वाला आ जाए तो माइट में बदल देना, मस्ट आ जाए तो मस्ट ही रहेगा, आउट टू आ जाए तो आउट टू ही रहेगा। अब अगर ये पहले से ही आ रहा है तो ये नहीं होंगे चेंज, है ना। सुनो, प्रेजेंट की चीजें पास्ट में बदली जाती हैं, लेकिन पास्ट की चीजें लास्ट टाइम रहती हैं। इसीलिए अगर चलो डाइट से डाइट बना रहे हो तो बिल का फुट में सेल का सब में आओ, लेकिन पहले से ही आ जाए तो इनको तो फिर वहीं में रखोगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पर कुछ इसी में मैं थोड़ा भरना चाहूँगा जिससे आपको थोड़ा लगे कि यहाँ थोड़ी पहचान बन जाए। देखो कैसे, यहाँ बताओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्प पर क्या होती है बताओ, इजारे होती है। तो जब पैसिव वाइज दो डाइट नाइट बनाओगे तो क्या कर दोगे? प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्प पर क्या होती है?
present perfect continuous tense क्या है? Has been क्या होती है? Has been और have been. इसमें क्या कर दोगे? Had been. इसमें as या es लगा होगा. इसमें आप केवल क्या लगा दोगे? अपने आप बन जाएगी. कुछ करना है? हाँ, होगा अलग है. अगर कहीं पे did not हो, कहीं पे अगर do not आ गया, क्या आ गया? Do not आ गया या does not आ गया, तो इन दोनों नाटों को आप केवल बदल देना. किसमें? Did not. फिर तो बी वन लगने लगता है. जब did not लगने लगता है तो अब यहाँ पे आ रहा हूँ. यहाँ तो दिक्कत नहीं हुई भाई. ऐसे ये को बी टू बदल दिया. लेकिन अब इसकी कंडीशन क्या क्या है? अगर आ जाए बी टू पास्ट प्रेजेंट में विजिबल की सेकंड फॉर्म होगी. क्यों? तो अब पास्ट प्रेजेंट को किसकी बदलोगे? अब पास्ट परफेक्ट का सिस्टम क्या होता है? अब इसमें हैड तो लगेगा, लेकिन कौन सी फॉर्म लगेगी फिर बताओ? कहां पर की सेकंड फॉर्म होगी? हैड अपने पास से लगाना होगा, फिर बी थ्री लगाना होगा, तभी तो पांच मिनट फिर से पांच परफेक्ट में बदलेगी. अच्छा यहाँ बताओ, ये तो बार बार बदलता है. अच्छा इस आरएम को बार बार भी बदलते हैं, लेकिन अगर बार बार पहले से ही आ जाए, बार बार आ जाए तो किस बदलते हैं? पांच परफेक्ट का. अब इसकी अगर इसकी हेड की मतलब क्या होती है? बस वो बात अलग है. इसमें भी आई एन जी होती है तो उसमें भी आई एन जी, इसलिए बस का पूछ रहा है. वर्ब का केवल क्या यहीं पे हुआ, क्योंकि इसमें सेकंड लगती है और इसमें क्या लगती है? और बाकी अगर तो पार्ट परफेक्ट की हेड की मतलब क्या होती है? हेड होती है. और इसकी क्या होती है? हेड. तो इनको तो बदलना ही, इनको तो क्या नहीं बदलना, इनको तो हमने अच्छा था हो गया, नहीं बदलना है. ये होता सर, ये जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के होंगे तो इनमें तो बाई और फोर को सिंस और फोर भी आएगा, हमने चेंज करेंगे उनको. नहीं चेंज करेंगे, वो तो प्रोपोजिशन कहीं नहीं चेंज करना. पहले क्या कभी करे थे? कहीं नहीं करना. ये उतार दिया, अभी समझाऊंगा. तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? ये आपको चेंज करने पड़ेंगे. ये उतार लीजिए. सबके साइन हो गए थे? कोई बचा तो नहीं था? बच्चे थे आधे भी नहीं रुके. बढ़ गई क्योंकि आपको पर्सन भी चेंज करना सीखना है और फिर ये टेंस भी सीखना है. कैसे कैसे बदलोगे? वैसे ज्यादा दिक्कत है नहीं. प्रेजेंट को पास्ट में बदल दो और पास्ट वाले ऊपर वाले दो हैं. पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस, उसको पहले वाले को तीसरे में बदल दो
और दूसरे वाले को चौथे, और बाद वाला जो तीसरा चौथा है उनको बदलो ही ना। अब बिल और फ्यूचर का तो सिस्टम ही खत्म है, उसमें केवल बिल और सर बदलना है। आगे लिख लीजिए अगला वही, अगला लिखो निकटता प्रकट करने वाले, शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले, शब्दों में बदल देते हैं, निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। कैसे देख लीजिए, देखो दिस आ जाए देश, जिसको आप जब इंडाइट बना दो क्या बना दो, कहीं पे अगर हेयर आ जाए तो जिसको अगर दी जा जाए दी तो क्या बना दोगे, दो हेयर आ जाए तो देयर, कम आ जाए तो गोमे, तो आ जाए तो देन में, हेंस आ जाए तो थैंक्स देन, अच्छा सुबह आ जाए तो सैटरडे, टू नाइट आ जाए तो दैट नाइट, टुमारो आ जाए द नेक्स्ट डे, यस्टरडे आ जाए द प्रीवियस डे, लास्ट वीक लास्ट नाइट आ जाए द प्रीवियस नाइट, चाहे द प्रीवियस नाइट लिख दो और चाहे द नाइट बिफोर, ये निकटता प्रकट करने वाले शब्द दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में आप चेंज कर दो। सर आप शुरू से बताइए, हमें समझ नहीं आ रहा क्या मुझे सुनते हैं।
आदमी कभी कभी पैसा कमाना खर्च करना ये कोई लाइक नहीं है, ये घटिया सौदा है। मतलब अपनी लाइफ के साथ लाइफ तो वो है कि मतलब सारी चीज देखो, जरूरत के हिसाब से अपने पैसे कमाओ। जहाँ बात अभी मैं जब बस से आ रहा था तो मैं रहता तो शहर में, लेकिन अब वहाँ से 17-18 किलोमीटर आके रोड पर ही मेरा गाँव पड़ता था, तो मैं निकल के जाता हूँ वहाँ से रोड। तो मैंने देखा कि तालाब का किनारा वहाँ पेड़, और वहीं मैं खेला करता था। वहाँ आज भी कुछ लोग बैठे बैठे वहाँ ताश खेल रहे थे, कुछ लोग बैठे बैठे मतलब बड़े बूढ़े जो थे वो ऐसे ही बैठे हुए थे, और बहुत सारे लड़के खेल रहे थे वहाँ पर। बाजार में मैंने सोचा मतलब ये लोग टाइम काट रहे हैं, और एक वो है कि सुबह से लगे हो पूरे ऐसे आदमी जल्दी मर जाता। तो आपने क्या सीखा, पर्सन भी चेंज करनी है और टेंस भी चेंज करने हैं, और निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में भी बदलना है। अगर जो रिपोर्टिंग पर पिछले आ गई अब मेन सेंटेंस शुरू होते हैं, यहाँ से पेपर आते हैं लिखो। अब सेंटेंस लिखना शुरू करो। पहला, he said to me, C5 The boy
मेरे पास आई फाइव आई फाइव I can do this sum. इस सवाल को सॉल्व ये सेंटेंस आएगी कितने टाइम सभी इसमें है नहीं चलो बोलो पाएंगे तुम आए थे और कौन है ये से जाओ और सब बात 9 बजे है।
तो वेंट से क्या हो जाएगा बॉन टू आगरा, और ये स्टैंडर्ड को किस में बदलोगे? अभी लिखा हुआ होगा कॉपी में दैट बीबीएसटी दैट बीबीएसटी बताओ उतार लिया। अच्छा आगे देखिए बिना साइड साइड बराबर साइड लगाओ इन्वर्टेड काम बराबर साइड लगाओ अनुपम वर्क पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट तो सिंपल है प्रेजेंट वी वन से वी टू पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा तो क्या हो गया वर्क 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 बताओ बात समझ में आ गई। आगे अजीत साइड बराबर साइड इन्वर्टेड काम बराबर है रेखा ये समझाओ ना ये देखो प्रेजेंट प्रेजेंट इंडिपेंडेंट इसके सेकंड फॉर्म बताओ फॉर्म एस डब्ल्यू ए एन। अब आप देखिए ये नहीं रेखा की जगह सी क्यों नहीं किया? अरे पहली बार तो आया है पीछे बार लिखा होता तो दोबारा लिखने की जरूरत होता अभी तब लगाते अभी तो नाम ही एक बार आया। आगे साइड बराबर साइड इन्वर्टेड काम बराबर साइड डागल आर की साइड पे क्या करूं वहां कर दोगे तो
प्रॉब्लम थी बाद, अब पीछे भूल जाओगे कि प्रेजेंट में है रिपोर्ट के बारे में, है ना। तो इसीलिए क्या लगना है यहाँ पर, इज ही लगना है, नो की। लास्ट नाइट को आ
दैन प्रीवियस नाइट आएगा चाहे दैन नाइट बुक बोल सकते हैं Thank you.